जो आज हम पांच वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है ये। फर्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटी, सेकंड है वेंडेटा, थर्ड है इम्पेटिनेंट, फोर्थ है कोरोनेशन, फिफ्थ है गॉबल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटी, मतलब होता है मर्यादा या उपयुक्तता। इंग्लिश मीनिंग है बिहेवियर दैट इज़ एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डेकरम, एटिक्विट, मैनर, कर्टसी। डेकरम मतलब होता है तमीज, एटिक्विट मैनर और कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार। एटिक्विटी मैनर और कॉर्टेसी मतलब होता है शिष्टाचार। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है इमोरेलिटी, इम्प्रोप्राइटी, इनडिसेंसी। इमोरेलिटी मतलब होता है अनीति, अनीति। और इम्प्रोप्राइटी मतलब भी अनुचित या फिर अनीति होता है। इनडिसेंसी मतलब होता है अभद्रता, इनडिसेंसी मतलब होता है अभद्रता। इसका जो एग्जांपल कर लेते हैं, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ प्रोप्राइटी मस्ट सुपरसेड कन्वीनियंस। इसका मतलब है ज़रूरी बात यह है कि जीवन के किसी पड़ाव पर शिष्टाचार सुविधा की जगह ले ले, या कह सकते हैं कि जीवन के ऐसे पड़ाव पे जब शिष्टाचार शिष्टाचार जो है वो हमारे सहूलियत से या सुविधा से आगे निकल जाए या फिर उसकी जगह ले ले। मतलब यहाँ शिष्टाचार पे शिष्टाचार का ज़्यादा महत्व होना चाहिए सुविधा से, ये मतलब है इस एग्ज़ाम्पल का। सेकंड वर्ड कर लेते हैं। सेकंड वर्ड है वेंडेटा, जिसका मतलब होता है प्रतिशोध या फिर बदला लेना। प्रतिशोध या फिर बदला लेना। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है ए प्रोलॉन्ग्ड सीरीज ऑफ रिवेंजफुल एक्ट्स। मतलब कि रिवेंजफुल मतलब कि बदला लेने की एक लगातार सीरीज या फिर लगातार पहल, जिसे बोल सकते हैं हम लोग। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है वेंगेनेंस, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन, पे बैक। वेंगेनेंस मतलब होता है प्रतिशोध, मतलब प्रतिशोध होता है। रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन और पे बैक मतलब होता है बदला। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं फॉरगिवनेस, पीस, एग्रीमेंट। फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा कर देना, क्षमा करना या माफ़ करना। पीस मतलब होता है शांति। एग्रीमेंट होता है समझौता करना या समझौता, समझौता करना। इसका एग्जाम्पल है व्हेन द सिंगर मेड फन ऑफ हिज राइवल इन अ सॉन्ग ही लेट एवरीवन नो दैट द वेंडेटा डिड नॉट बीन रिजॉल्व्ड। इसका मतलब ये है जब गायक ने एक गीत में अपने प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाया तो उन्होंने सभी को बताया कि प्रतिशोध या बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या प्रतिशोध या बदले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, बदले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, समाधान रिजॉल्व। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैटिनेंट, इसका मतलब होता है अनुचित
या फिर गुस्ताख या फिर गुस्ताखी करना। इंग्लिश मीनिंग है इररिलेवेंट और बिहेविंग विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इनएप्लीकेबल, अनअपोजिट, इनअप्रोप्रिएट, इरेशनल, इम्पोलाइट, इल मैनर्ड और डिसकर्टियस। इनएप्लीकेबल मतलब होता है अप्रयोज्य, अप्रयोज्य, और इनअपोजिट मतलब होता है अनुचित, इनोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट मतलब होता है अनुपयुक्त, इरेशनल मतलब होता है तर्कहीन, इरेशनल मतलब होता है तर्कहीन, इम्पोलाइट मतलब होता है असभ्य, इल मैनर्ड मतलब भी होता है असभ्य, डिसकर्टियस मतलब होता है अभद्र, भद्र। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है पेर्टिनेंट, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, डिसेंट, जेनियल। इम्पेर्टिनेंट मतलब होता है उचित, हम्बल मतलब होता है नम्र, नम्र, रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानपूर्ण, डिसेंट मतलब होता है सभ्य, जेनियल मतलब होता है मिलनसार, जेनियल मतलब होता है मिलनसार या फिर सामाजिक, मिलनसार या फिर सामाजिक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाइल शी नेवर इंटेंटेड हर रिमार्क टू बी इम्पेर्टिनेंट, शी फाउंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन ऑफेंडेड बाय व्हाट शी शेड। इसका मतलब जबकि उसका इरादा टिप्पणी से गुस्ताखी का नहीं था, उसने पाया कि बहुत सारे लोग उससे नाराज थे। इंटेंडेड मतलब होता है इरादा, इरादा। इम्पेटिनेंट मतलब होता है अनुचित या गुस्ताखी, गुस्ताख या गुस्ताखी। नेक्स्ट वर्ड है कॉरोनेशन, कॉरोनेशन, कॉरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक या राज्य तिलक, जब कोई राजा बनता है तब किया जाता है ये राज तिलक या राज्य अभिषेक। इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियल सेरेमनी इन विच अ पर्सन इज मेड ए किंग और क्वीन। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है क्राउनिंग एंड थ्रोनिंग। जो क्राउनिंग है इसका मतलब होता है राज तिलक, और एनथ्रोनिंग मतलब होता है राज्य सिंहासन पर बैठना, राज्य सिंहासन, राज्य सिंहासन पर बैठना। इसके जो एंटोनिम है वो है डीथ्रोन या डिपोज। डीथ्रोन मतलब होता है राजगद्दी से उतरना, राजगद्दी से उतरना या फिर राजा के पद से हटा देना। डिपोज मतलब होता है निकाल देना, निकालना। निकाल देना डिपोज। इसका जो एग्जांपल है वो है दिस चेयर नाउ प्लेस्ड इन द गैलरी वाज यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर इम्पीरियल कोरोनेशन सेरेमनीज। इसका मतलब है यह कुर्सी जो अब गैलरी में पड़ी है, सदियों से उसका इस्तेमाल शाही राज्याभिषेक समारोह के लिए होता था। जो कुर्सी अभी गैलरी में पड़ी है उसका इस्तेमाल
इम्पीरियल मतलब होता है शाही, शाही कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक, सेरेमनीज मतलब होता है समारोह, समारोह। फिफ्थ वर्ड है गॉबल। गॉबल मतलब होता है निगलना या पूरा का पूरा खा जाना। यहाँ पे लालची टाइप वाले बंदों की बात हो रही है जो कि लालची हो, या तो ज़्यादा खाने पीने में लालच करते हो, लालची या निगलना, उस रिस्पेक्ट में यहाँ बात हो रही है गॉबल की। इंग्लिश मीनिंग टू ईट और स्वेलो बीडली और हरीडली, कुछ खाना या निगलना भूखों की तरह या फिर लालची की तरह जल्दी से खा जाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है गज़ल, गल्प, डेवर, गॉर्ज। गज़ल मतलब होता है लालची, गल्प मतलब होता है जल्दी से निगल जाना या निगलना, डेवर मतलब भी होता है लालची, गॉर्ज मतलब होता है रोग। इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट सीम्स टू गॉबल अप द टैक्स पेयर्स मनी, मतलब कि सरकार करदाताओं के पैसों को निगल जाती है या खा जाती है। सरकार टैक्स पेयर मतलब करदाता, जो कर देते हैं, करदाता, करदाताओं के पैसे को गॉबल मतलब खा जाती है या फिर निगल जाती है। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।